हेलो फ्रेंड्स, कोरोना के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आज भी लगभग 3.5 लाख के आसपास केस बढ़े हैं और इस एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी क्षमता, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आप उसको बनाकर और बढ़ाकर रखें। तो उसके लिए ज़रूरी है, एक आयुष मंत्रालय ने कुछ तरीके बताए हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो उसी के सिलसिले में आपको आज हर्बल टी बनाना बताऊंगा कि घर पर आप हर्बल टी, आयुष क्वाथ है, उसे आप कैसे बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको लाइव डिमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको काढ़ा बनाना है। सबसे पहले आपको गैस को ऑन कर लेना है और गैस को ऑन करने के बाद आपको एक छोटा कप लेना है और छोटे कप में आप लगभग 4 गिलास आपको ये पानी डालना है। 4 गिलास पानी, 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 4 गिलास। तो आपको ये 4 गिलास पानी डालना है इस तरह से, और डालने के बाद इसको गैस पर गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। और सबसे इसमें आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, लगभग 8-10 तुलसी के पत्ते ले लीजिएगा। देखिए मैं ले लिए हैं पहले से, तो 8-10 आप तुलसी के पत्ते लीजिएगा और इसमें डालिएगा ऐसे ही। और साथ में लगभग 5-7 ये मैंने मुनक्खे लिए हैं, तो आप इसमें से लगभग 5-7 मुनक्खे इसमें डाल दीजिएगा। और डालने के बाद अब इसको गर्म होने दीजिएगा। जब ये उबल जाए, लगभग ये 2 गिलास जो हमने पानी डाला है, 2 गिलास का जब आधा रह जाए तब इसको उतारना है। उसके बाद क्या करना है वो बताता हूँ। इससे पहले आप और तरीके जान लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरीके हैं, आपको सुबह सुबह कम से कम 30 मिनट के लिए योगाभ्यास प्राणायाम जरूर से करना है। रात को सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है और उस दूध में आप 1/2 चम्मच हल्दी मिलाइएगा और 1 चुटकी काली मिर्च उसमें डाल दीजिएगा, और काली मिर्च डाल के उसको आप पीजिएगा। इससे इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ती है। आप कच्चे आंवले की चटनी भी खा सकते हैं, मार्केट में आंवला, कच्चा आंवला आसानी से मिल जाता है। यदि कच्चा आंवला आपको ना मिल पाए तो आंवला चूर्ण मार्केट में मिल जाएगा, आप आंवले चूर्ण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें 1-1 चम्मच सुबह शाम आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं। आजकल आज मौसमी फल भी बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। मौसमी फल में आप तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है और संतरा है, जो विटामिन सी के जो फल हैं उन्हें भी आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और साथ में आप हरी सब्जियों का सेवन भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और मार्केट में आपको च्यवनप्राश भी मिल जाता है, जो च्यवनप्राश है आप 1 चम्मच सुबह दूध के साथ उसे ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि मार्केट में उपलब्ध है। आप खाने में अपने में हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है इत्यादि जो मसाले हैं, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आजकल क्या है कि बहुत सा जुकाम खांसी की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें आप भाप ले सकते हैं। तो भाप लेने के लिए आप पुदीने की पत्ती लीजिएगा और जो पानी को उबाल के, जो उबालते हैं पानी को, उसमें पुदीने की पत्ती डालिएगा और अजवाइन डालिएगा। इसको डालने से जो भाप आप लेंगे, जिससे जो आपकी सर्दी जुकाम है उसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। इस तरह से आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के जो तरीके बताए मैंने, ये आयुष मंत्रालय ने बताए थे। और बाकी हमारा काढ़ा अभी बनने के लिए तैयार है, लगभग उबलने शुरू हो जाएगा ये अब। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोरोना के कुछ लक्षण जो हैं आपको जानने चाहिए, जैसे कि आपको सूखी खांसी होगी, आपको गंध या सुगंध नहीं आएगी, स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, आपको खाने में स्वाद नहीं आएगा, और गले में आपकी खराश हो सकती है और आवाज़ आपकी बदल सकती है। सर्दी जुकाम के साथ साथ आपको पूरे शरीर में दर्द होगा, बुखार होगा, और बुखार में आपको ठंड भी लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है। और ये इसलिए कि वायरल बुखार है, और वायरल बुखार की वजह से, वायरल बुखार में आपको पता ही है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है और बॉडी में दर्द रहता है। चलिए देखो हमारा काढ़ा चल गया है, ये इस तरह से इसको अब उबलना शुरू हो गया है। ये देखिएगा इस तरह से ये उबल रहा है अब, और जब ये आधा रह जाएगा उसके बाद इसको उतार लेंगे
और उतारने के बाद फिर छान कर इसको पी सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें, जैसे कि मैंने नींबू लिया है, क्योंकि मैं इसमें जब इसको पीऊँगा तो मैं इसमें नींबू डाल के पीऊँगा, क्योंकि स्वाद अनुसार आप इसमें नींबू मिला सकते हैं या फिर आप गुड़ भी मिला सकते हैं। फाइनली अब हमारा काढ़ा बनके तैयार हो चुका है। देखिए बिल्कुल आधा रह गया है, अब इसको हम छानने की तैयारी करते हैं। तो अब जो है गैस को जो है बंद किया जाए, गैस को बंद करके अब ये काढ़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हमें छानना है। हाँ, हमने इसमें 4 कप डाला था और 4 कप का ये हमारा 2 कप रह गया है। ये देखिए तैयार है और आधा कप इसमें बचा हुआ है। अभी इसको यहाँ पे रखिएगा। अब देखिए इसमें नींबू डालते हैं स्वाद अनुसार। ये हमारा नींबू रहा। बस ये देखिएगा, अब हमारा जो एक आयुर्वेदिक काढ़ा है, जो आयुष काढ़ा, जो आयुष मंत्रालय ने बताया बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आप पी सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काढ़ा है। आप अपने घर पर ये बना सकते हैं और पी सकते हैं, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ा सर्दी खांसी और हल्का सा फीवर सा महसूस हुआ था, तो मैंने सेल्फ आइसोलेट किया है खुद को और अपने घर पे आज मैंने इसी वजह से आयुष काढ़ा मैंने बनाकर पी रहा हूँ। मैं डॉक्टर AK सिंह, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।